गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक मंथन से पार्ट 6 वह अविस्मरणीय अनुभव पढ़ाऊंगी। अविस्मरणीय का अर्थ होता है कभी ना भूलने वाला। बच्चों, इस पाठ में APJ अब्दुल कलाम ने अपने अनुभवों को बताया है। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। डॉक्टर कलाम को हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। डॉक्टर कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक भी थे। तो आइए इस पाठ में डॉक्टर कलाम के अनुभवों को पढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि वे दोपहर 2:30 बजे रांची हवाई अड्डे पहुंचे। राज्य सरकार ने पवन हंस हेलीकॉप्टर को किराए पर लिया था। उन्होंने पायलट से पूछा कि क्या ऐसे मौसम में हवाई यात्रा संभव है। इस पर पायलट ने मुस्कुराते हुए बेहद खूबसूरत यात्रा का भरोसा दिलाया और इस तरह उन्हें तथा दो और यात्रियों को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ चला। डॉक्टर कलाम अक्सर हेलीकॉप्टर से यात्रा करते थे, लेकिन इस बार का मौसम उन्हें वाकई थोड़ा खराब लग रहा था। लेकिन पायलट काफी चतुर था और एक बार तो ऐसा मौका आया कि डॉक्टर कलाम ने उसकी चतुराई के लिए, अच्छी उड़ान के लिए उन्हें बधाई तक दे डाली। घने विस्तृत जंगलों और पहाड़ियों तथा झरनों के ऊपर से उड़ान भरने का अपना अलग ही एक आनंद था। डॉक्टर कलाम को बहुत अच्छा लग रहा था, उन्हें ये यात्रा बेहद सुखद लग रही थी और विस्तृत यानी फैले हुए जंगल, पहाड़ियाँ तथा झरना, ये सब देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वे सोचने लगे कि कैसे इस मूल्यवान प्रकृति संपदा को छोटे मोटे व्यवसायिक लाभ के लिए काटे जाने से बचाया जाए। मतलब वे सोच रहे थे कि ये मूल्यवान, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती प्राकृतिक संपदा, प्रकृति की संपत्ति को छोटे मोटे उद्योग धंधे के लिए यानी लकड़ियों के छोटे मोटे उद्योगों के लिए काटे जाने से इसको कैसे बचाया जाए। वे यह सोच ही रहे थे कि उन्हें महसूस हुआ कि वह नीचे की तरफ गिर रहे हैं। अचानक उन्होंने नीचे गिर रहे हेलीकॉप्टर को लेकर दोनों पायलटों को विचार विमर्श करते हुए सुना। जब उन्हें अनुभव हुआ कि हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ गिर रहा है, तब जैसे ही उन्होंने पायलट की तरफ देखा तो देखा कि दोनों पायलट हेलीकॉप्टर को लेके बहुत ही चिंतित होकर विचार विमर्श यानी राय मशवरा कर रहे हैं। वे खुद भी सतर्क हो गए, यानी उन्हें कुछ आभास हो गया तो वो सचेत हो गए। नीचे देखा तो चारों तरफ कई कारें और बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे। हेलीकॉप्टर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा, उसके हिस्से टूट फूट कर उनके चारों तरफ बिखर गए और आग बुझाने वाली गाड़ियां उनकी तरफ बढ़ने लगी। यानी जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से नीचे देखा तो उनको क्या दिखाई देता है, कुछ कार और बहुत सारे लोग। जैसे हेलीकॉप्टर एक जोरदार आवाज के साथ नीचे जमीन पे जा गिरता है और उसके हिस्से टूट फूट कर चारों तरफ बिखर जाते हैं और आग बुझाने वाली गाड़ी भी आने लगती है उनके तरफ। वे बिना उद्वेलित हुए यानी बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए हेलीकॉप्टर से बाहर निकले और सोचने लगे कि ये उनका सौभाग्य था कि जब तक इंजन खराब हुआ तब तक काफी नीचे हेलीकॉप्टर आ चुकी थी। अगर कुछ समय पहले ऐसा हुआ होता तो वे सभी काल के ग्रास यानी मौत के मुंह में जा चुके होते। पायलट काफी घबराए हुए थे और असहाय उन्हें देख रहे थे। यानी दोनों पायलट जो थे बहुत घबराए हुए थे और असहाय देख रहे थे। पायलट को शायद ऐसा लग रहा था कि जिस विश्वास से उन्होंने एक बहुत ही सुखद यात्रा का डॉक्टर कलाम को भरोसा दिलाया था, शायद वो सफल नहीं हो सका। तब डॉक्टर कलाम ने उनके हाथ
को पकड़े और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उनसे कहा कि हवाई मशीनों के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है और पायलट होने के नाते उन्हें बहादुरी से इस घटना को लेना चाहिए। डॉक्टर कलाम को रामकृष्ण विद्यालय के छात्रों को संबोधित करना था, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे देर भी नहीं की और ना ही बहुत ज़्यादा बात की। बस उन्होंने पायलट को हिम्मत बंधाई और उन्हें आगे इस तरह के घटनाओं के लिए तैयार रहने को भी सचेत किया। वे इस दुर्घटना स्थल से तुरंत स्कूल की ओर बढ़ गए। स्कूल के प्रधानाचार्य रामकृष्ण स्वामी ने उनकी अगवानी की और ऑडिटोरियम में जब वे मंच की तरफ बढ़ रहे थे तो स्कूल के बच्चों ने फूलों की पंखुड़ियों से बारिश की उन पर। और अब आगे का स्कूल में उन्होंने क्या कहा, बच्चों को कैसे संबोधित किया, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए